चार तालियां होनी चाहिए एक बार विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल के ग्रैंड फिनाले में आमने सामने है एल स्पोर्टिंग और मैकॉन स्पोर्ट्स रांची। सच चुका है मंच, तैयार है महारथी। वेलकम टू 21वां कार्तिक उड़ाव फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 फाइनल मेगा फाइनल। हमारे बीच मंचासीन आज के फाइनल मैच की मुख्य अतिथि श्रीमती नीतू सेठ जी। मैं सादर निवेदन करूंगा डॉक्टर अरुण उड़ाव जो की अध्यक्ष एएल स्पोर्टिंग के उपस्थित है श्री इंद्र। खेल पे नजर होगी, इनका फॉर्म थोड़ा सा चिंता का विषय है एएल स्पोर्टिंग के लिए, लेकिन ये बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, बड़ा दिन अपने नाम कर सकते हैं, इतनी क्षमता रखते हैं। हमारे गणमान्य अतिथिगण मिल रहे हैं और शुभकामनाएं दे रहे हैं। एएल स्पोर्टिंग रांची जो कि अपने ही होम ग्राउंड में अपने ही प्रैक्टिस के मैदान में उतर चुकी है, एक ऐसी टीम का सामना करेगी जो कि मैकॉन और जिनका नाम सुनते ही कहीं ना कहीं एक चिंता एक अनुमान लगा जाता है कि उनकी टीम तो बहुत अच्छी है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आज के इस मुकाबले में एहल के भी सारे खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में हो, अच्छे रन में हो और पूरी तैयारी। और जब आप लगातार मैचेस जीतते हैं और मुश्किल सिचुएशन में मैचेस जीतते हैं तो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं एहल के जाने वालों के लिए। आज इन दोनों ही टीमों के बीच ये खिताबी मुकाबला बस कुछ ही क्षणों के बाद शुरू होने वाला है। हालांकि एक ही टीम कोई एक चैंपियन बन सकती है, 16 टीमों को शामिल किया गया था, 8 दिनों से ये फुटबॉल का महाकुंभ आप देख रहे हैं। विक्रम उराव तैयार हो रहे हैं इस मैच को संचालन करने के लिए, युवा रेफरी उभरते हुए रेफरी रांची के भविष्य इनका उज्ज्वल है, इन्होंने करियर बचा नितिन के साथ यहाँ पर मैच की शुरुआत हो चुकी है। स्पोर्ट्स ने यहाँ पर खेल की शुरुआत की है, रोहन के पास बॉल, रोहन ने बॉल को बढ़ा दिया है शंकर के लिए, सुशील का छक, बिल्कुल नई गेंद के साथ यहाँ पर नए मैच का शुभारंभ किया गया है, फाइनल मैच का शुभारंभ किया गया। राजा के पास बॉल है, जर्सी नंबर 12 बहुत ही शानदार उन्होंने पास निकाला। राजू मंडल काफी अनुभवी झारखंड टीम से खेलने का गौरव प्राप्त और निश्चित तौर पर यहाँ पर फाउल का इशारा, उसका पास जरूर निकाला है लेकिन रेमन लकड़ा ने भाप लिया था बॉल सीधे उनके पास। बहुत ही शानदार क्लियरेंस अमित का, बम्बू का चक्कर क्लिक जरूर किया था, सोमरा मुंडा वहां पर मौजूद, उन्होंने बॉल को बढ़ा दिया कैप्टन विमल के लिए। छोटू छोटू ने वापस किया है सोमरा मुंडा को, नितिन कल बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था नितिन ने इस मैदान में और अपनी टीम को सेमीफाइनल पहुंचाने में अहम योगदान दिया था। तो रोहित जो कल अपनी टीम के लिए बहुत ही शानदार साबित हुए थे, अभी के पास गोल, बंधन और राव जो कि भूतपूर्व खिलाड़ी है मैकॉन स्पोर्ट्स के, छोटू चेट्टी पास निकालने की कोशिश थी वहां पर, पहले से अंदाजा लगाया था, बहुत ही शानदार था गेम का प्रदर्शन यहाँ पर खेल स्पोर्टिंग के द्वारा। संतोष जैसे नंबर 6 की शुरुआत हो चुकी है, बहुत ही बेहतरीन पास यहाँ पर निकाला है, क्रॉस काफी खराब, कैप्टन है वहां पर विमल, बिल्कुल बेहतरीन यहां पर निकाला है बॉल को राजू मंडल ने सुमित जी के लिए। इतना शानदार पास था उसका फायदा नहीं उठा पाए सुमित, और फिलहाल बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए बबलू कच्छर स्पोर्टिंग के
अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ी यहाँ पर क्रॉस आया है, मौका यहाँ पर था सूरज के पास, लेकिन बॉल को नियंत्रण नहीं कर पाए और फिलहाल बॉल रेमन के पास गई थी, उन्होंने बढ़ा दिया रोहन के लिए। सुंदर टर्निंग उपेंद्र हजाम के द्वारा विद द बॉल टर्निंग काफी शानदार, लेकिन अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा, स्वागत करते हैं आप सभी का निभारणीय परंपरा, बहुत बहुत स्वागत है मैम। माननीय श्री संजय सेठ जी, किसी कारणवश दिल्ली जाना पड़ा और रील की उपस्थिति में श्री संजय सेठ जी की धर्मपत्नी श्रीमती नीतू सेठ जो की आज की मुख्य अतिथि है, उनका स्वागत अभिनंदन सत्कार हो रहा है सम्मानित मंच में। और अब मैं सादर निवेदन करूंगा श्री पंकज त्रिकी जी, 21वीं कांति चुनाव फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 के वाइस प्रेसिडेंट से उपस्थित हमारे मंच में श्री इंद्रजीत सिंह जी जो की पावर लिफ्टिंग के वर्ल्ड चैंपियन, उनका पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें हमारे सम्मानित मंच में। बहुत ही शानदार पास होना लग गया यहाँ पर राजू के द्वारा, अतीत से सूरज मुंडा, बहुत ही शानदार मौका है और ये आपका ही सही सारा सारे ढोली मारे होते सूरज मुंडा तो गोल हो सकती थी, सीमा काफी आगे निकल गए थे, ऑफसाइड करार दिया गया उनको और एक जो बेहतरीन मौका था वो जाया जाता था। अचानक लगा मैदान में मानो भूकंप सा गया हो, लेकिन ये ऑफसाइड एहल के चाहने वालों के लिए थोड़ी सी निराशा, बहुत ही खुशी, लेकिन अभी भी मैच समाप्त नहीं हुआ है, बहुत कुछ अभी बाकी है। आज अच्छे फॉर्म में अच्छे लय में नजर आ रहे हैं शिवा। किया गया सिवा के द्वारा, लेकिन आसानी के साथ वहां पर प्रकाश मुंडा ने बॉल को निकाल दिया, सुमरा मुंडा के पास फिलहाल गोल है, सुमित भी बहुत ही शानदार स्पीड के साथ नियंत्रण के साथ गोल को बढ़ा दिया था बंधन के लिए, फिलहाल बंधन के पास गोल। तो आज दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं हेल स्पोर्टिंग के तमाम खिलाड़ी, बबलू का कैप्टन के पास गोल, कैप्टन ने बॉल को क्लियर किया और सीधे स्पर्श रेखा के बाहर भेज दिया, थ्रोइंग लेते हुए सुमित बंधन बहुत ही शानदार दो खिलाड़ियों के बीच से होकर पास निकाला और सुमित के पास फिलहाल बॉल, सुमित ने क्रॉस किया है लेकिन काफी हताश होंगे, सीधे गोलकीपर के पास चली गई और अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं स्कोर से खिलाड़ी, तो उतार चढ़ाव का ये खेल, कौन सी टीम यहाँ पर बाजी मारेगी कहना काफी मुश्किल, गलत पास कर रहे थे वहां पर तैयार थे, बोल को छीन लिया और बढ़ा दिया बंधन के लिए, सुंदर सुंदर बैठ के आगे मत, नहीं, पीछे गलत पास देख रहे हैं आप,
क्लियरेंस किया है। देखना वहां पर सुमित कौर पड़े हैं और नियंत्रण कर लिया बॉल को, लेकिन लाजवाब टैकल सुशील के द्वारा। पीछे करोगे तो पड़ा है, सी पीछे कीजिए तो लाइन वहां तक क्या है। रोहित के द्वारा ये कैपिंग किया गया था फाउल करा देते हुए। और अब हमारे बीच में मैं पूरा निवेदन करूंगा 21वां कांति पुरा फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 के ऑर्गेनाइजिंग के चैनल सेक्रेटरी श्री कैलाश सिंह देव जी, आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती नीता सेठ जी को स्मृति चिन्ह और शॉल देकर उनका पुनः स्वागत अभिनंदन करें, उनका सत्कार करें। बहुत बहुत स्वागत है एहल स्पोर्टी के शानदार आयोजन में। और मैं सारे निवेदन करूंगा श्री पंकज तिर्की जी, जो कि 21वीं कांति गुड़ा फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के वाइस प्रेसिडेंट, उपस्थित हमारे श्री इंद्रजीत सिंह जी, जो कि पावर लिफ्टिंग के वर्ल्ड चैंपियन, उनको शॉल और एक स्मृति चिन्ह मोमेंटो प्रदान कर उनका स्वागत पुनः करें, उनका अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक काफी देर तक खेल हो चुका, लेकिन कोई भी टीम अभी तक स्कोर करने में सफलता हासिल नहीं की। एक गोल जरूर आया था लेकिन ऑफसाइड करा दिया गया वो भी। तो इस अजीब गरीब स्थिति को देखते हुए यहाँ पर पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी प्रसिद्ध अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ी कहेंगे खिलाड़ी की ओर से अनाउंसमेंट किया गया है कि जो भी खिलाड़ी हेड स्पोर्टिंग के पहला गोल स्कोर करेंगे उनको 10,000 रुपए का नगद इनाम दिया गया है। ध्यान देंगे हेल स्पोर्टिंग के जो भी खिलाड़ी पहला स्कोर करेंगे उनको 10,000 रुपए का नगद इनाम भोजपुर फुटबॉल खिलाड़ी विजय सिद्धी की ओर से दिया जाएगा। तो 10,000 के हकदार कौन होंगे, शिवा सुमित या बबलू। नियंत्रण करते हुए गेम पर पहले स्पोर्टिंग के खिलाड़ी गेंद छीन ली गई है मुकुल खिलाड़ियों के द्वारा, उपेंद्र हजाम लेकर बढ़ रहे आगे, बिल्कुल अंदर गए और शानदार पास दिया रोहन के लिए। रोहन का थोड़ा बता हुआ शंकर वहां पर जरूर थे यहाँ पर रोहन के लिए, लेकिन ये काफी नहीं था वहां पर। तैयार थे बुद्धदेव राव आसानी के साथ अपनी कब्जे में लिया बॉल को और ये ऊंचा शॉट लगाते हुए शानदार सुधर कपाटी का पास। ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
यहाँ पर कितना पास निकाला है, रोहन है, रोहित है, कौन लिखे बोल को रोहित ने बोल को निकाल दिया है, क्रॉस किया है, लेकिन राजा बिल्कुल ठीक से दिवार किया है, मैंने बोल को क्लियर किया और ठीक से पकड़ा के पास को वर्तमान में एजी ऑफिस के कार्य कर मैंने स्पोर्ट के जर्सी नंबर 60 कमरा मुंडा और ये देखिए रेफरी का हटा हुआ रोहित, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा, उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं एक और दूसरे यहां पर जरूर थे, यहां पर मौका हो सकता है, देखना क्या करते हैं और उसे पहले की रेखा के अंदर जाती बोल तो क्लियर है मंच की ओर से ये मैच का ही पहला हाफ है, बेकॉन का ये एक और अच्छा प्रयास लेकिन उतना ही अच्छा बचाव, यहाँ पे मौका रोहित के द्वारा काफी करीब पहुंच चुके थे, रोहन भी प्रयास किए और इसी के साथ यहाँ पर दूसरे हाफ की खेल की शुरुआत की है खिलाड़ियों ने राजू मंडल लेकिन उसके पहले की यहाँ पर फिर भी बोल को नियंत्रण कर पाते हैं, लोग थ्रोइंग देंगे इसको तो बोल को बना दिया नीतिन के लिए चलिए पास प्रकाश मुंडा ने बोल को क्लियर किया और क्लियर बोल कहते हैं जीवन के पास कितना आता है माधव है वहां पर अच्छा नियंत्रण कर लिया था लेकिन सही दिशा नहीं दे पाए बोल को और बोल और एक मौका फिर से यहां पर काफी तेज गति के साथ कुलदीप आगे बढ़े थे लेकिन बोल को क्लियर कर दिया प्रकाश मुंडा ने, बोल सीधे चली गई है गोलकीपर बुद्धदेव के पास सुंदर लीग बबलू का छक्का बंधन ओलाओं का ये पास था नौकर अटैक कर रहे शंकर काफी तेज गति के साथ आगे बढ़ते हुए और सुंदर पास निकाला है लक्ष्मीकांत है वहां पर देखना है क्या होता है अभी तक एक मौका और अतिथि जरूर थी बिल्कुल सतर्क थे वहां पर बुद्ध देखते हैं बहुत ही शानदार तरीके से बोल निकाल दिए करते हैं बीमल करते हुए रेमन लकड़ा बाहर है बोल को अपने कब्जे में लिया और बढ़ा दिया है रोहन के लिए बिल्कुल खाली जगह पर थे रोहन आगे बढ़ते हुए बोल को लेकर उनको पोजिशनिंग दिए हैं अपनी खुशी बहुत ही शानदार पोजिशन है एक मौका हो सकता है यहाँ पर देखना है क्या होता है क्या कहा जाए इसको बिल्कुल सही पहुंचे हैं बहुत बहुत स्वागत और फुटबॉल का एक अलग ही क्रेज है झारखंड में ना केवल झारखंड में बल्कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम ये मौका हो सकता था लेकिन अच्छा क्लियर से ये अभी भी टकरा चला रही है रोहित का क्रॉस और यहाँ पर एक शानदार अवसर साइड गोली लगाई थी रोहित ने इसके ऊपर नितिन के हाथ से जाकर गोल टकराई और क्योंकि पेनल्टी एरिया के अंदर में थे वो तो कोई हिचक नहीं उनको जजमेंट देने में और यहां पर एक बार तो लग रहा था कि बाहर से टकरा कर वापस आ जाएंगे लेकिन क्योंकि इन साइड में टच की थी बॉल तो चली गई गोल रेखा के अंदर और यहां पर शानदार सफलता दिलाते हुए अपनी टीम को रोहन और इसी गोल के साथ यहां पर एक शून्य की बढ़त हो गई आ रहे हैं पिछले दो मैचेस की कहानी की बात करें तो याद दिला दूं तो
क्वार्टर फाइनल हो या फिर सेमी फाइनल हो, काउंटर अटैक करने की कोशिश थी यहाँ पर लक्ष्मीकांत की, अमित बिल्कुल तैयार थे और ठीक से यहाँ पर काउंटर अटैक किया है। शंकर ने बॉल को निकाल दिया है, काफी तेज गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं और गोल कीपर की ऊपर स्क्वेयर मारने की ये कोशिश थी, सभी दिशा नहीं दे पाए। लक्ष्मीकांत बहुत ही शानदार मौका रोहित के लिए, शानदार बचा सुंदर हजाम से की लेने वाले खिलाड़ी के पास हजाम के पास गेंद की बॉल, सुमिति के पास बॉल नियंत्रण नहीं कर पाए, बॉल छटक गई और वहां पर तैयार थे प्रकाश मुंडा, हालांकि अभी भी सुमित के पास बॉल, सुंदर वापसी की यहां पर सुमित ने। साथ यहाँ पर एक ही फुटबॉल प्रतियोगिता का चैंपियन बना है